सो गाइस वेलकम बैक टू मोटो डॉक्टर्स। आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं। लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जब अपन सुपर बाइक सेकेंड हैंड सुपर बाइक लेने जाते हैं या फिर कोई भी बाइक लेने जाते हैं, तो फिर उसके अंदर अपन क्या क्या चेक करना चाहिए, तो वही मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगा कि अपन को क्या क्या चेक करना है। तो गाइस पहला पॉइंट ऐसा है कि नॉर्मल अपन कौन से भी बाइक लेने जाएंगे सेकेंड हैंड स्पोर्ट्स वेरिएंट में, तो उसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से सीन क्या होता है कि वो इतना लाउड रहता है ना गाइस, तो उसकी वजह से अपने को इंजन का जो रियल नॉइस है वो सुनने में नहीं आता है। तो आपको दिखाता हूँ क्या सीन होता है। तो अभी इसका आपको नॉर्मल साउंड सुनाता हूँ। तो ये नॉर्मल साउंड इतना लाउड है गाइस कि इंजन के अंदर कुछ नॉइज़ जो भी है उसका आवाज़ आएगा ही नहीं अपने को। तो अभी आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से चेक करना है आपको। तो ये एग्जॉस्ट है, तो यहाँ पे आपको ऐसा ही कपड़ा ढक लेना है, संदीप करो ऐसा, और बाइक का इंजन जो है वो स्टार्ट कर लेना है। तो सेकेंड पॉइंट ऐसा रहता है कि इसका ये शॉक ऑब्जर्वर, तो इसमें सीन ऐसा रहता है गाइस कि ये लीकेज वगैरह रहेगा तो यहाँ से पूरा ऑयल आता है नीचे, तो उसको पंपिंग करके चेक करना है। एक तक ऐसा चेक करना है आपको ताकि यहाँ पे कोई लीकेज रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, और एकदम प्रॉपरली इसको चेक करना है, वरना ये अंदर के साइड से भी कभी कभी लीकेज होता है। जहाँ पे हल्का सा भी ऑयल सील कट हुआ रहेगा ना गाइस, तो भी वहाँ से ऑयल लीकेज होता है। तो अभी थर्ड पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, पॉइंट इसका शॉक ऑब्सर, पीछे का शॉक ऑब्सर। तो ये सब बाइक्स में गाइज ये पीछे का शॉक ऑब्सर है जो कि बहुत ही महंगा आता है गाइज। एक सेकेंड हैंड स्कूटी ले सकते हो उस प्राइस में, तो उसको भी एकदम प्रॉपर चेक करना है, इसको भी दबा के चेक करना है। आपको दिखाता हूँ, एकदम प्रॉपरली चेक करना है, अगर वो ख़राब रहेगा तो पीछे से कट कट ऐसा आवाज आएगा गाइज। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया अपना। सो गाइज फोर्थ पॉइंट अपना ऐसा है कि इसका इंजेक्टर मोटर वो अपन कैसे चेक करेंगे। ऐसा इग्निशन अपने को चालू करना है, तो ये ऐसा एक नॉइज़ आता है जैसे पेट्रोल पास होता है और फ्यूल टैंक पे हाथ रखोगे तो आप, तो आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, पूरा वाइब्रेशन होगा टाकी के अंदर, ऐसा आवाज़ और वाइब्रेशन आएगा तो समझ लेना कि उसका फ्यूल पंप भी एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। या तो छठा पॉइंट ऐसा है कि ये सब गाड़ियों के अंदर लीकेज का दिक्कत बहुत आता है, जो कि इसके अंदर फेयरिंग रहता है ना, तो कि अपने को समझ में आता नहीं है ऑयल लीकेज है या नहीं, तो उसके अंदर एकदम प्रॉपरली चेक करना है, यहाँ से पूरा देख लेना है कि कहाँ से कुछ लीकेज है या नहीं है, पूरा अपने आपको समझ में आ जाएगा फिर कहाँ से लीकेज है या नहीं है। क्योंकि इसका अगर थोड़ा सा भी लीकेज है तो भी ये क्लच कवर वगैरह सब खोलना पड़ता है और ये पैकिंग वगैरह डालना पड़ता है, ऐसा सीन रहता है। तो इसको भी एकदम प्रॉपरली आप एकदम अच्छे तरीके से चेक कर लेना गाइस, नहीं तो इसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इंजन के अंदर से ऑयल अगर लीक हो गया तो इंजन सीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं गाइस। तो आप समझ ही सकते हो कि इंजन सीज होगा तो क्या होगा, ये पूरा हेड ब्लॉक वगैरह उतरना पड़ता है, इंजन खोलना पड़ता है, वो अलग ही सीन है पूरा। दूसरा पॉइंट ऐसा रहता है गाइस कि ये कॉन्सेट है, इसके अंदर भी साउंड आता है, अगर गाड़ी खड्डे में जाएगी तो खट खट ऐसा आवाज़ आता है, तो इसको भी एकदम चला के एकदम प्रॉपरली चेक करना है, जो कि आप खड्डे में अगर चलाओगे तो गाड़ी खड्डे में जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि वो नॉइज़ कैसा आता है। अगर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का सोच रहा है तो ये सब पॉइंट गाइस देख लेना। और सातवां पॉइंट ऐसा है कि इसका क्लच पेड वगैरह तो आप चेक कर ही लोगे कि चलाने के बाद आपको समझ में ही आएगा। तो सातवां पॉइंट ऐसा है कि इसका टायर्स, जो कि हम अपन को आपको पता ही है कि अपन सुपर बाइक लेते हो तो गाड़ी के अपन 10-20 के स्पीड पे चलाते नहीं है, ऑब्वियसली गाड़ी भगाते हैं, तो ये फ्रंट वाला सॉरी ये रियर वाला टायर है, इसको भी एकदम प्रॉपरली चेक करना है, और ये फ्रंट वाला, इसको भी एकदम प्रॉपरली चेक कर लेना है कि कहाँ से कुछ कटा है या नहीं कटा है। क्योंकि सो गाइज आज का वीडियो हम यही पे एंड करते हैं। अगर अपने चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। अगर किसी के मन में कोई भी सुपर बाइक्स के रिलेटेड या फिर नॉर्मल बाइक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ।